गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन ग्रामीण विकास एवं सहकारिता में ग्रामीण विकास के संबंध में योजना काल में कौन सी नीतियां कैसे कैसे किन किन चीजों पर फोकस किया गया, प्लान वाइज आइडियल प्लान वाइज अपन डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमारे देश में योजना का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नियोजन पद्धति के माध्यम से विकास का काम है वो 1951 से प्रारंभ किया गया था। पहली योजना 1951 से 56, दूसरी योजना 1956 से 61, तीसरी योजना 1961 से 66, 66 के बाद में एक वर्षीय योजनाएं बनी थी 67, 68, 69, फिर 69 में वापस पंचवर्षीय योजना आई 69 से 74, फिर 74 से 79 और 80 से 85, 61 और 85 से 90, 90 से 90 के बाद में 2 साल एक पंचवर्षीय योजना एक वर्षीय योजना बनी 2 साल, फिर 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012। इन पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के संबंध में क्या क्या नीतियां लागू की गई थी, हम उस पर विकास उस पर डिस्कशन करना चाहेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली थी, उसमें सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया था कि गाँव में ज्यादा से ज्यादा लोगों में कम्युनिटी का विकास कैसे किया जाए, उनके देखभाल, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी व्यवस्थाएं कैसे ठीक की जाए जिससे उनका स्तर ऊंचा बढ़ सके, ये पहली योजना चलाया गया था। दूसरी योजना में 1956 से 61 तक की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें सहकारी कृषि और स्थानीय सहभागिता कोऑपरेटिव कृषि यानी जमीन लोगों के पास छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई जमीन थी, बड़ा जरूरी नहीं थी, तो उसमें कोऑपरेटिव कृषि के माध्यम से उनको कैसे जमीन से जोड़ा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ उनको मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिव कृषि को बढ़ावा दिया और स्थानीय सहभागिता लोगों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चली, इसमें पंचायती राज और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो मोटो है वो सामने लाया गया। सबसे पहले ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे देश में पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो राजस्थान से प्रारंभ हुआ। इस पंचायती राज में ग्रामीण क्षेत्र की जनता यानी गांव के आम आदमी को शासन में सहभागिता देने का मकसद था, यानी ग्राम पंचायत में एक उनकी सरकार गठित हो, फिर उसकी पंचायत समिति स्तर पे उसकी सरकार गठित हो, इस प्रकार से गांवों का विकास सीधा जिला मुख्यालय और राज्य सरकार से कैसे किया जा सकता है उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया और प्रारंभ किया गया। तो पंचायती राज के माध्यम से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी शासन को जनता तक फैला दो, शासन को लोगों में ज्यादा ज्यादा बांट दो, इस व्यवस्था का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में विशिष्ट क्षेत्र आधारित कार्यक्रम जो स्पेसिफाइड क्षेत्र है, फील्ड है, उनमें कैसे विकास किया जा सकता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उसमें हम कैसे विकास कर सकते हैं। पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकता की अवधारणा वस्तुसात्मा यानी पांचवी योजना में जो पांचवी योजना है वो है 1974 से 79, इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि गांव के लोगों की कष्ट की गांव के सामान्य आदमी की क्या न्यूनतम आवश्यकता है उसको कैसे हम पूरा करें उस चीज पे फोकस किया गया, उसके आधार पर वो निर्णय किए गए। तो इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता की अवधारणा का संपाद हुआ।
छठी योजना जो 1980 से 1985 तक की है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर, यानी ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक जो तनाव होना है उसको और आर्थिक ढांचे को कैसे सुदृढ़ किया जाए उस पर जोर दिया गया। निर्धनता के उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ के उसमें विषय में काम किया गया। सामाजिक ग्रामीण विकास नीति जैसे रूरल डेवलपमेंट को कैसे किया जाए और लोगों में जो भारी विषमता है उस विषमता को कैसे दूर किया जाए, इस बात पर जो गौर करने के लिए छठी योजना में इसमें किया गया। सातवीं योजना हमारी 1985 से नब्बे तक है, इसमें रोजगार के नए अवसर कैसे जनरेट किए जाए, कैसे सदन किए जाए, आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम कौन से चलाए जाए, भूमि में सुधार कैसे किया जाए, ग्रामीण लोगों के शासन में सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए, ये 1985 से 90 तक के शासन में सातवीं पंच योजना में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, भूमि सुधार करना, ग्रामीण लोगों की रोजगार आय कैसे बढ़ाने जाए, शासन में सहभागिता कैसे की जाए, इन चीजों पर ध्यान दिया गया। आठवीं योजना को 1992 से 1997 तक की, जिसमें रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय विकास, गांव के समूह की पहचान करना, स्थानीय लोगों धार्मिक कर देंगे उस विकास योजना शुरू करना, पंचायती राज को प्रभावी रूप से लागू करना, इसके कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। फिर नवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक की थी, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि के वाहन के रूप में, यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से कैसे आगे बढ़ाए उसको ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई, और इसके साथ साथ निर्धनता और बेरोजगारी को दूर कैसे करें उस पर जोर दिया गया। फिर दसवीं योजना तो 2002 से लेकर 2007 तक है, इसमें ये माना जाता है इस योजना के अंत तक, यानी दसवीं योजना का अंत 2007 का हो रहा है, तब तक ये माना गया कि निर्धनता के अनुपात में हम 5% की कमी लाएंगे, अनिवार्य रूप से 5% की कमी लाएंगे उस पर जोर दिया गया। और लाभदायक रोजगार कैसे उपलब्ध कराए, ग्रामीण जनता को रोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध करवाए जाए जिससे उसे अच्छे से अच्छा लाभ हो, उसकी जीविका अच्छी तरह चल सके, वो संसाधन कैसे उपलब्ध कराए जाए, और उसके अलावा कृषि के विकास को कैसे हम बढ़ावा दें, कृषि के विकास से कैसे हम लोगों को फायदा दें, उस पर भी चर्चा की गई। 11वीं योजना है 2007 से 2012, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रोग्राम करे हैं। भारत निर्माण जो भारत निर्माण के संबंध में अपने कल चर्चा की थी, भारत निर्माण में 5-6 चीजें शामिल की गई थी, इसमें ग्रामीण विद्युत, पेयजल, आवास, संचार और सिंचाई के संसाधन, इनको मूलभूत रूप से उनको कैसे उनसे जोड़ा जाए ग्रामीण क्षेत्र में, हर ग्रामीण क्षेत्र में उस भारत निर्माण के लिए मनरेगा जो प्रोग्राम है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य रूप से आवश्यकता जरूरतमंद लोगों को 100 दिन का रोजगार साल में निश्चित रूप से दिया जाता है, जिसको बढ़ा करके 200 बात करने की भी चर्चा है। तो मनरेगा प्रोग्राम से भी ये बहुत बड़ा देश का का सबसे बड़ा प्रोग्राम ये है। इसमें ग्रामीण जनता जो निर्धन है और रोजगार के साधनों के पास नहीं है, उसे अनिवार्य रूप से रोजगार इसमें दिया जाना शामिल किया गया है, और ये प्रोग्राम लाने के बाद देश में ग्रामीण जीवन में काफ़ी सुधार हुआ है, उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, सामाजिक ढांचा है, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। इसके अलावा TSC के द्वारा ग्रामीण आर्थिक संस्था का निर्माण कैसे करना है, सामाजिक क्षेत्र का विकास कैसे करना है, विषमताओं को दूर कैसे करना है, इस संबंध में 11वीं योजना में भी काफी डिस्कशन हुआ। तो मूल कहते हैं फिर 12वीं योजना भी आई 12 से 17, उसमें भी इसी संबंध में काफी डिस्कशन हुआ, इसी ग्रामीण विकास को और ठीक करने के लिए क्या क्या किया जाए उस पर भी डिस्कशन हुआ। मैं यहाँ आपसे इतना बताना चाहूंगा कि योजना का जो देश में योजनाओं का आकार चला है, तो पहले आपको थोड़ा सा योजनाओं का ध्यान में रखना है, जब कई बार इम्पोर्टेंट आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देश में 51 से योजना नियोजन काल को शुरू किया गया था, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 67, 67 के बाद 3 वर्षीय योजनाएं 3 साल चली हैं, 68, 67, 68, 69
फिर 79 से 74 प्रत्यक्ष योजना है, फिर 74 से 79 प्रत्यक्ष योजना है, फिर 79 के बाद में एक योजना एक साल में चली, फिर 80 से 85 प्रत्यक्ष योजना है, 30 प्रत्यक्ष योजना, फिर 7वीं प्रत्यक्ष योजना है 1985 से 90, और 90 के बाद में फिर 2 साल हमने एक साल की योजना बनाई है, फिर 95 से 97 हमारी 8वीं प्रत्यक्ष योजना है, 97 से 2002 है, और 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, और बाद उसके बाद 12वीं योजना 2012 से 2017। ये प्रत्यक्ष योजनाएं हैं, और इसमें हमने जो डिस्कशन अभी किया है कि हमारा संपूर्ण विकास सामुदायिक विकास है, सहकारी कृषि, स्थानीय सहभागिता है, पंचायती राज है, पंचतंत्रिक केंद्रीकरण है, विशिष्ट क्षेत्र आधारित है, सूत्रपात कैसे किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने में कैसे जोड़ दिया गया है, निर्धनता का उन्मूलन इसमें कैसे किया गया है, समृद्ध ग्रामीण विकास, विषमता में कमी, रोजगार के नए अवसरों का सर्जन पर जोर, भूमि सुधार, ग्रामीण लोगों को शासन में सहभागिता, रोजगार के साधन सृजन करना, क्षेत्रीय विकास, गाँव के समूह की पहचान, स्थानीय स्तर पर ध्यान रखकर विकास योजना प्रारंभ करना, पंचायती राज की नई प्रभावकारी भूमिका, संपूर्ण अवस्था में तीव्र विकास कैसे करना, और बेरोजगारी और लोगों को जो निर्धनता 2007 तक निर्धनता के अनुपात में 5% कमी कैसे लाएं, ये सब बातें इसमें हमने शामिल की हैं। तो ये योजना काल में हमने विकास के संबंध में अपने बात की है, कल अपन इसी ग्रामीण विकास संबंध में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।